हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आई एम ललित सोनी टीम बोटनी सीएलसी सीकर। हाँ तो बेटा, स्वागत आपका गुरु नीति 180 वर्सेज 180 श्रृंखला के अंदर। और आज अपन डिस्कस करेंगे प्लांट एनाटॉमी थर्ड। बिल्कुल, और इस प्लांट एनाटॉमी थर्ड के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, उसके टाइप कितने हैं, किस तरीके से प्लांट में होती है, उनकी हम डिस्कस करेंगे। यानी बेटा, जो आप समझ सकते हो कि पृथ्वी के जो सबसे विकसित पादप है स्पर्मेटोफाइटा बीजधारी पादप, उन पादपों के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है, उस सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं, तथ्य हैं, या रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट हैं, उनको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और पहले अपन कह चुके थे भी पूरा सेकेंडरी ग्रोथ से रिलेटेड क्वेश्चन ही अपन थर्ड एनाटॉमी के अंदर लेंगे, ताकि आप पूरा एनसीईआरटी से सेकेंडरी ग्रोथ को बहुत अच्छे से पढ़ लें। रिलेटेड क्वेश्चंस के थ्रू आप अपना एक एक लाइन को, अपने कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। तो देखिएगा बेटा कि वहां अपन बात कर रहे थे, जब अपन ने प्लांट ऑर्गन की प्राइमरी स्ट्रक्चर का अध्ययन किया था, तो आप समझ रहे हैं कि प्राथमिक संरचना का, तो अपन ने कहा था बेटा कि देखो, प्लांट में जनरली जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है, या फिर प्लांट में जनरली आप समझ सकते हैं कि जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, प्लांट ऑर्गन की लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, लंबाई में इंक्रीमेंट होता है, तो आप समझ सकते हो किसके कारण होता है, एपिकल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम का मतलब ये होता है कि जो प्लांट के एपिकल पार्ट पर हो, शीर्ष भागों पर हो। बिल्कुल, वो एपिकल पार्ट तने का भी हो सकता है, मूल का भी हो सकता है। बिल्कुल, अपन कह सकते हैं कि भाई शूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये जो मेरिस्टेम है, अपने कहा था कि सारे टाइप के टिश्यूज है ना, मेरिस्टेम से डेवलप हुए। तो मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन होता है, तो परमानेंट टिश्यूज भी होते हैं, प्राइमरी परमानेंट, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी डेवलप करते हैं। और अपने कहा था बेटा कि जो प्राइमरी, जैसे मेरिस्टेमेटिक सेल है, तो यहाँ से डॉटर सेल्स आपकी जो है, तो एक डॉटर सेल तो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग है, मतलब कंटिन्यूस डिवाइड हो रही है, तो वो सेल टू सेल यानी वहां इंक्रीज हो रही, ऐड कर रही है, तो ऐड हो रही, तो उसमें लेंथ में इंक्रीमेंट भी हो रहा है। दूसरा आप जानते हैं कि इलोंगेशन में जा रही है। बिल्कुल, इलोंगेशन मतलब साइज उसकी बड़ी हो जाती है, और फिर उसके स्ट्रक्चर फंक्शनल चेंजेस हो रहे हैं। बिल्कुल, और वो मॉडिफाइड हो रही है, और डिफरेंशिएट होकर वो परमानेंट भी कन्वर्ट, तो एक सेल में डिवीजन हुआ, दो सेल बन गई, दो में से एक सेल तो वापस उसी चार्ट को फॉलो करती है, और दूसरी यहाँ पे बढ़ती जाती है। बिल्कुल, और आप समझ रहे हैं, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर भी बन गई और लेंथ में भी इंक्रीमेंट। बिल्कुल, तो लेंथ में इंक्रीमेंट होना ओनली प्राइमरी ग्रोथ है, जो जनरली आप जानते हैं कि हर प्लांट का करैक्टर है। बिल्कुल, लेकिन अपन बात करेंगे अब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिएगा, सेकेंडरी ग्रोथ कुछ जनरल बातें अपन करते हैं यहाँ पर, सेकेंडरी ग्रोथ। तो देखिएगा बेटा कि जो सेकेंडरी ग्रोथ है, द्वितीयक वृद्धि है, 2 डिग्री ग्रोथ उसको बोलते हैं। हाँ, फर्स्ट टॉप अपनी बात यह कह देंगे भी इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इन गर्थ। बिल्कुल, मतलब पादप जो है उसकी चौड़ाई या उसके व्यास में बढ़ोतरी होना, इंक्रीमेंट इन गर्थ डायमीटर, मतलब परिधि है, व्यास है, चौड़ाई है, उसमें वृद्धि होना। तो आप समझ सकते हैं कि अपन ने यहाँ पर ऐसे कहा, देखो कि ये इंक्रीमेंट इन लेंथ जो एपिकल मेरिस्टेम से होती है, लेकिन यहाँ अगर अपन ऐसे कहें कि जो इंक्रीमेंट इन डायमीटर वाला, बिल्कुल ये डायमीटर में लेंथ जो सेकेंडरी मेरिस्टेम से होगा। बिल्कुल, अपन कहते हैं कि प्राइमरी मेरिस्टेम में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो प्राइमरी परमानेंट। बिल्कुल, और अगर आपको सेकेंडरी टिश्यूज या सेकेंडरी ग्रोथ चाहिए, तो सेकेंड पहले डेवलप होगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। बिल्कुल, और वो सेकेंडरी मेरिस्टेम फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी परमानेंट, लिविंग परमानेंट से उसमें डिडिफरेंशिएशन होगा, डिडिफरेंशिएशन प्रोसेस होगी, और फिर आपका डेवलप होगा क्या, सेकेंडरी मेरिस्टेम। तो अपन ने कहा यहाँ पर कि भी इंक्रीमेंट इन गर्थ या डायमीटर नोन एज सेकेंडरी ग्रोथ। अब आप समझ सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ किन में प्रेजेंट होती है, तो जिम्नोस्पर्म, इस पर जिम्नोस्पर्म, बिल्कुल इन ऑल जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में सभी में पाई जाती है, प्लस एंजियो में ओनली डाइकोट्स, डाइकोट प्लांट्स में, मतलब डाइकोट यहाँ पे एंजियोस्पर्म हो गया। हाँ, तो जिम्नो और एंजियो दोनों यहाँ पर स्पर्मेटोफाइट है। बिल्कुल, बीजधारी पादप है, वो सेकंड ग्रोथ शो कर सकते हैं। बिल्कुल, अब जिम्नोस्पर्म और डाइकोट में रूट प्लस स्टेम, बिल्कुल रूट एंड स्टेम में ही सेकेंडरी ग्रोथ होगी, लीफ में कभी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती, बिकॉज़ लीफ में कैंबियम नहीं पाई जाती, सीधी सी बात है। अब अपन ने देखिएगा कि वहां पर अपन ने पढ़ा कि जो रूट और स्टेम में भी दो पार्ट अपने पढ़े। बिल्कुल बिल्कुल, एक पार्ट अपन ने पढ़ा कि भाई स्टीलर पार्ट, रंबी भाग, बिल्कुल स्टीलर, और एक पार्ट अपने पढ़ा वहां एक्स्ट्रा स्टीलर। बिल्कुल, मतलब पेरिसाइकल और उसके अंदर का स्टिलर, पेरिसाइकल के बाहर का एक्स्ट्रा स्टिलर, सीधी सी बात है। तो जिम्नोस्पर्म और डाइकोट में रूट और स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होगी, दो पार्ट वहां स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ, बिल्कुल, और एक्स्ट्रा स्टिलर ग्रोथ सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर, और अपन ने सीधी सी बात कही कि भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होगा, लेटरल मेरिस्टेम। तो लेटरल मेरिस्टेम भी यहाँ दो टाइप की बात करते हैं कि जो स्टिलर पार्ट है वहां पर तो आपका बनेगा वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम बनेगा, और वहां पर क्या बनेगा, कोर कैम्बियम, कोर कैम्बियम, वीसी और सीसी। ठीक है, फिर अपने कहा कि भी मोनोकोट में,
जो एंजियोस्पर्म में मोनोकोट होते हैं, बिल्कुल सीधी सी बात है कि मोनोकोट एंड पेरिडोफाइट्स में जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो क्या होती है? एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है, वहां सिर्फ प्राइमरी ग्रोथ ही होती है। यस, तो आप जानते हैं कि जो मोनोकोट और मोनोकोट हैं, जो मोनोकोट है और जो टेरिडोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं बिल्कुल, उसमें आप समझ सकते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? एब्सेंट। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे टेरिडोफाइट्स में आइसोइट्स है, बिल्कुल, और मोनोकोट्स में आप जानते हैं ट्यूलिप है, ड्रेसिना यक्का, जहां एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ होती है। मेनली सेकेंडरी ग्रोथ जनरली एब्सेंट होती है मोनोकोट और टेरिडोफाइट्स में। क्लियर? तो ये सारी बातें अपन ने की, बिल्कुल। अब देखिएगा कि भाई ये सेकेंडरी ग्रोथ है, तो सेकेंडरी ग्रोथ का जो फर्स्ट पॉइंट होगा, जो फर्स्ट की पॉइंट होगा, वो आपका प्रोसेस होगा डी डिफरेंशिएशन। क्या प्रोसेस होगा? डी डिफरेंशिएशन, मतलब जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है उस प्राइमरी परमानेंट टिश्यू से सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनना, तो ही आपकी सेकेंड ग्रोथ पॉसिबल हो पाएगी। तो ये प्रोसेस आपका क्या है? डी डिफरेंशिएशन। अब चाहे वो स्टिलर पार्ट हो और चाहे वो एक्स्ट्रा पार्ट। तो अपन यहाँ क्लियर कर लेते हैं कि भी देखिएगा, जैसे अपन यहाँ डाइकोट स्टेम की बात करते हैं, डाइकोट स्टेम, और डाइकोट स्टेम में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ बात करता हूँ कि स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, तो स्टीलर बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ। अब देखिएगा कि डाइकोट स्टेम स्टीलर पार्ट में सेकेंडरी ग्रोथ कैसे संपन्न होती है, बिल्कुल क्लियर। तो वो बात अपन यहाँ पर करेंगे। तो देखिएगा कि भाई स्टीलर में, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकेंडरी ग्रोथ को समझने से पहले आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर आना चाहिए, भाई प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या क्या अरेंजमेंट है। बिल्कुल, विदाउट प्राइमरी स्ट्रक्चर आप सेकेंडरी ग्रोथ को क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो ही सेकेंडरी ग्रोथ कर पाती है। बिल्कुल, तो सीधी सी बात है, देखिएगा यहां अगर अपन डाइकोट स्टेम में अगर अपन स्टीलर पार्ट में बात करें, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप समझ रहे हैं कि जो डाइकोट स्टेम उसका जो स्टीलर पार्ट है उसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है, तो ये आपकी होती है पेरिसाइकिल। शुरुआत हमने पेरिसाइकिल से कर ली है क्योंकि हम स्टीलर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, स्टीलर ग्रोथ की बात कर रहे हैं, और पेरिसाइकिल है क्योंकि ओनली स्टीलर पार्ट अपन ले रहे हैं। यहाँ आपके होते हैं वेस्कुलर बंडल, रिंग के फॉर्म में होते हैं, वेस्कुलर बंडल रिंग के फॉर्म में होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं, क्लियर। ये सिमिलर साइज के वेस्कुलर बंडल है, कॉन्जॉइंट है, ये कोलेटरल है, और अपन कह सकते हैं ओपन टाइप के, ओपन टाइप के हैं, कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन टाइप, ओपन। जो अपन ने ये तो बात बताई कि भाई ये देखिएगा ये कैम्बियम है, बिल्कुल ये क्लियर। अब यहां पर आप जानते हैं कि सेंट्रल पैरेन्काइमेटस जो रीजन होता है वो क्या होता है? पिथ, बिल्कुल, और इनका जो एक्सटेंस होता है रेडियली एलोंगेटेड सेल्स, मेडुलरी रेज, मेडुलरी रेज होती है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया था कि डाइकोट एनसेट ने देखा कि डाइकोट स्टेम की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है तो वहां वेस्कुलर बंडल होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल के बिटवीन जो रेडियली रेडियली जो इलोंगेटेड सेल्स होती हैं दैट आर मेडुलरी रेज, बिल्कुल, या की पैरेन्काइमेटस होती है, मेडुलरी रेज, बिल्कुल क्लियर। तो अपन स्टीलर पार्ट ले लिया, बिल्कुल ले लिया, क्लियर। अब स्टीलर पार्ट में जैसे अपन डाइकोट स्टेम स्टीलर पार्ट में सेकेंडरी ग्रोथ का अपन स्टडी करें, बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीबी है जो रिंग में अरेंज है, अर्थ की सारी कैम्बियम सेकेंडरी होती है, है ना, एक्सेप्शन है एक जो यहाँ फ्लोएम और जाइलम के बीच होती है, बिल्कुल। यहाँ आप समझ सकते हैं कि फ्लोएम फ्लोएम और ये जाइलम है और एंडार्क जाइलम है, बिल्कुल क्लियर। तो तभी तो आप जानते हो कि फ्लोएम जाइलम एक ही रेडियस पे है और वो आपस में एड है, और आउटर फ्लोएम फिर जाइलम है, तो कौन जॉइंट कोलेटर, बीच में कैम्बियम है, तो कौन जॉइंट कोलेटर, ओपन। अब ये जो ये कैम्बियम है ये तो आपकी क्या है, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है, बिल्कुल ये इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है जो प्लांट में शुरू से होती है, तो ओरिजिन में ये प्राइमरी कैम्बियम। तो ये जो इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है अर्थ पे ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, बाकी ऑल कैम्बियम आर सेकेंडरी, सेकेंडरी चाहे वो वेस्कुलर कैम्बियम में चाहे इंटरफेसिकुलर हो या चाहे कोर कैम्बियम हो, चाहे कोर कैम्बियम हो, चाहे वाउंड कैम्बियम हो, घाव यदा हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब देखिएगा अपन तो आते हैं कि स्टीलर पार्ट में अपन सेकेंडरी ग्रोथ का स्टडी कर रहे हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ का अपन ने फर्स्ट की पॉइंट क्या बताया आपको, डी डिफरेंशिएशन, बिल्कुल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां पर क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन। अब आप दिमाग लगा दे, आपको ये पता होना चाहिए कि डी डिफरेंशिएशन किस में होगा, बिल्कुल जो प्राइमरी परमानेंट टिश्यू है वो डी डिफरेंशिएशन करके सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक में बदल जाता है। तो यहां पर डी डिफरेंशिएशन इन प्राइमरी मेडुलरी रेंज, बिल्कुल डी डिफरेंशिएशन इन प्राइमरी मेडुलरी रेंज, बिल्कुल। जैसे इन प्राइमरी मेडुलरी रेंज में डी डिफरेंशिएशन होगा तो फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, बिल्कुल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम,
यस बिल्कुल। अब परमानेंट में डी डिफरेंशिएशन से मेरिस्टेम डेवलप हुआ है तो दिस इज एसएमटी सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यस और नो? क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि देन इंट्रा दैट इज प्राइमरी, इंटर ये डेवलप हो जाएगा यहां पर दैट इज सेकेंडरी, तो फिर अपन ये कह देंगे कि इंट्रा प्लस इंटर, इंट्रा प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज इक्वल टू वीसी, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या बनाएंगी वीसी वेस्कुलर कैम्बियम। और यहाँ पर जो मेडुलर ड्रेनेज है ये पूरी कन्वर्ट नहीं होगी, बस इतना इतना जो पोर्शन है वो बदल जाएगा कैम्बियम। तो आप समझ रहे हैं कि भाई फर्स्ट की पॉइंट इज डी डिफरेंशिएशन इन प्राइमरी मेडुलर ड्रेनेज, बिल्कुल, देन फॉर्मेशन ऑफ इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देन इंट्रा प्लस इंटर बिल्कुल एडजॉइंट, दोनों फॉर्म क्या करती है वेस्कुलर कैम्बियम। इसलिए डाइकोट स्टेम का जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है पार्शियली प्राइमरी एंड पार्शियली सेकेंडरी, ओरिजिन में वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों ही होता है। अच्छा, वेस्कुलर कैम्बियम लाइफ में एक बार बनता है, पूरे लाइफ में एक बार बनता है, लाइफ टाइम एक्टिव रहता है, लाइफ टाइम एक्टिव रहता है। और जो वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो गया, अब ये वेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो गया, इसको आप कह देंगे वीसी। क्लियर? बिल्कुल। तो पार्शियली प्राइमरी था, पार्शियली सेकेंडरी था, लाइफ में एक बार फॉर्म होता है, लाइफ टाइम तक एक्टिव रहता है, बिल्कुल लाइफ टाइम तक एक्टिव रहता है। क्लियर? और आप समझ सकते हैं कि उस पर दोनों फैक्टर है, एनवायरमेंटल फैक्टर उसको फैक्ट करते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम का जो इनर साइड है वो मोर एक्टिव रहता है ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, प्लस आप जानते हैं कि एनवायरमेंटल फैक्टर भी उस पर अफेक्ट करते हैं, जो कि एक्सटर्नल होते हैं। हाँ, तो फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल दोनों फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं। अब क्या होगा, ये वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो गया यानी सेकेंडरी मेरिस्टेम, आप समझ सकते हैं कि इनसाइड ही क्या फॉर्म करेगा सेकेंडरी जाइलम, आउटसाइड क्या फॉर्म करेगा सेकेंडरी फ्लोएम फॉर्म करेगा, और ये जो प्राइमरी जाइलम है ये सेंटर पे चला जाएगा और प्राइमरी फ्लोएम आउटर आपका बिल्कुल चला जाएगा, पेरिफेरल हो जाएगा। क्लियर? तो वो आप बात आपकी होती है। अब देखिएगा कि सेकेंडरी जाइलम फॉर्म 8-10 टाइम मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल 8-10 गुना ज्यादा, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम अंदर की ओर से इनर साइड से मोर एक्टिव है, बिल्कुल वो फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी है, एनवायरमेंटल भी है, बिल्कुल, और आउटर कम एक्टिव है तो सेकेंडरी फ्लोएम कम बनेगा, ज्यादा क्या बनेगा सेकेंडरी जाइलम। एक्चुअली ये जो यहाँ पर है बनना, ये कैम्बियम में डिवीजन पर डिपेंड करता है। अगर मान लो एनवायरमेंट के अंदर सर्दी का मौसम है तो डिवीजन काफी स्लो पीरियड के अंदर हो जाएगा, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर हो गया, अंदर ऑक्सीजन के ज्यादा होने से सेकेंडरी जाइलम तेजी से बनेगा, इट इज फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी बात आपके, अब देखिएगा कि भी ऐसे ये आपका होगा स्टिलर सेकेंडरी ग्रोथ, फिर सेकेंडरी जाइलम वुड को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल सेकेंडरी फ्लोएम आपका आउटर है, बिल्कुल। क्लियर? अब देखिएगा तो ये अपना प्रोसेस हो गया, तो फर्स्ट की पॉइंट क्या है डी डिफरेंशिएशन, बिल्कुल, और आप जानते हैं फिर वो तो कोई भी हो, लेकिन यहाँ डी डिफरेंस किसमें, प्राइमरी मेडुलर रेंज में, बिल्कुल इंटरफेसिकुलर कैम्बियम फॉर्म हो गया, इंटर प्लस इंट्रावेस्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो गया, देन वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो पहले आप कंसेप्ट को, आप लाइन टू लाइन कंसेप्ट पे आइए और एक एक पॉइंट को आप अपने आप क्लियर कीजिए, बाद में देखिए क्वेश्चन आपके बहुत क्योंकि इनिशियल थोड़ी देर बाद में भी सेकेंडरी में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि उसका वो पार्टी सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा उसी प्रोसेस के द्वारा, वो डिफरेंशिएशन होकर परमानेंट, फिर आपका डी डिफरेंस होकर सेकेंडरी मेरिस्टेम, देन आपका वो रैपिडली हो जाएगा सेकेंडरी जाइलम, तो वो आपका प्रोसेस आपका होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, अब अपन बात करते हैं कि भी जैसे ये आपके पास वेस्कुलर कैम्बियम है, तो वेस्कुलर कैम्बियम थिक होती है, लाइफ में एक बार बनती है, क्लियर, और लाइफ टाइम तक एक्टिव रहती है, इनर साइड ज्यादा एक्टिव है तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्मेशन ज्यादा होता है सेकेंडरी फ्लोएम की कंपैरिजन में। लेकिन इस वेस्कुलर कैम्बियम के दो पार्ट होते हैं, ये आपका होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल और ये आपका होता है रे इनिशियल, जो क्या फॉर्म करता है बाद में सेकेंडरी मेडुलरी रेज। क्लियर? अच्छा, इसमें एक कंसेप्ट और है, ये कंसेप्ट है कि जैसे ये वेस्कुलर कैम्बियम है तो वेस्कुलर कैम्बियम ये जो सेल्स है कट ऑफ होगी, इस साइड आप जानते हैं कि सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होगा, तो जैसे ही मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट बनेगी तो फर्स्ट परमानेंट बनेगी मान लो, फिर जैसे नेक्स्ट बनेगी वो आगे की सकती जाएगी, फिर नेक्स्ट बनेगी वो आगे की सकती जाएगी, तो जैसे मैं यहां पर बात करता हूं कि SX4 SX3 SX2 SX1 एंड देन प्राइमरी जाइलम, बिल्कुल। क्लियर? तो यहाँ मुझे बता दीजिएगा कि सबसे ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम कौन सा है, भी जो यहाँ पर कैम्बियम है, इस कैम्बियम से सबसे दूर जो होगा वो यहाँ पे होगा ओल्डेस्ट, तो ये सबसे ओल्डेस्ट होगा, बिल्कुल, और ये आप न्यूली फॉर्म होगा। अब जैसे ये न्यू फॉर्म होगी तो आगे की सकती जाएगी, और आप जानते सबसे पुरानी कहां पे चलेगी, सेंटर में, सेंटर में। फिर आप जानते हैं कि जो सबसे ओल्ड सेकेंडरी जाइलम और प्राइमरी जाइलम है तो ये आपका प्रेशराइज होगा, तो आप जानते हैं कि जैसे ये वेसल्स है, और वेसल्स मैं आपको बता देता हूँ
कि जैसे ये वेसल है, ठीक है, तो बेटा ये वेसल्स, अब वेसल आप जानते हो कि परफोरेटेड होती है, बिल्कुल, एंड वॉल भी और लेटर वॉल भी, इसके लिए इसमें गुहा ल्यूमन होती है, क्लियर। अब जैसे यहाँ पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होते ही जैसे ये वेसल है तो ये पैरेन्काइमेटस सेल है ना गुब्बारे नुमा होकर, गुब्बारे नुमा होकर इसको ब्लॉक कर देंगे, टाइलोसिस हो जाती है, इसको आप क्या कहेंगे, टाइलोसिस, इट इज टेनिन रेजिन का, टेनिन रेजिन का और डिपोजिशन हो जाएगा, डेड पार्ट हो जाएगा, कंप्लीटली डेड हो जाएगा। तो वो सेंट्रल जो डार्क कलर का पार्ट होगा, सेंट्रल डार्क कलर का पार्ट होगा वो तो आपका क्या होगा, हार्ट, और ये जो पेरिफेरल आपका लाइट कलर का पार्ट होगा वो क्या होगा, सैफ्रन। तो ये सैफ्रन होगा और ये क्या होगा, हार्ट। अब कंटिन्यूअसली सैफ किस में कन्वर्ट होता रहेगा, हार्ट में, तो सैफ तो कांस्टेंट रहेगा और हार्ट का डायमीटर क्या होता रहेगा, मात्रा बढ़ती जाती है, इंक्रीज होता रहेगा, क्लियर। तो आप जानते हैं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर ये और सेंटर स्पेस फुलफिल हो जाएगा, तो फिर आप जानते हो टाइलोसिस ब्लॉकेज, देन सैफ कन्वर्ट इनटू हार्ट, फिर कंटिन्यूअसली हार्ट इंक्रीज होता जाएगा और सैफ क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सैफ्रन जो है बेसिकली ये यहां पे सेकेंडरी जाइलम से बनता है, और जो हार्ट वुड है इसमें मेनली सेकेंडरी जाइलम है और साथ में प्राइमरी जाइलम यहाँ पर, और ये कंप्लीटली डेड हो जाता है क्योंकि टेनिन रेजिन उनका डिपोजिशन होकर कि ल्यूमन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, जिससे वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, तो ये फंक्शनली पैसिव हो गया, पैसिव हो गया, और ये फंक्शनल क्या हो गया, एक्टिव हो गया, कुछ वाटर की अमाउंट भी है, कुछ कुछ अंश, कुछ पार्ट लिविंग भी, पार्सी भी, तो फिर ये आप जानते हो माइक्रोब इस पे अटैक कर सकते हैं, बड़ी माइक्रोब के प्रति क्या रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं कि फर्नीचर के लिए सबसे बेस्ट जो लकड़ी होती है वो हार्डवुड, हार्डवुड होती है ना। तो आप ये भी समझ गए, फिर ऐसे आप जानते हो कि जैसे ये वेस्कुलर कैम्बियम है, तो वेस्कुलर कैम्बियम से जैसे ये कंटिन्यूअसली, ये आपका हो गया प्राइमरी जाइलम, तो ये कंटिन्यूअसली जैसे सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता रहता है, सेकेंडरी जाइलम है ना, और आप समझ सकते हैं कि फिर ऐसे रेडियल जो सेकेंडरी मेडुलरी रे वो आपका बनेगा रे इनिशियल, रे इनिशियल। तो कई सारी बातें यहाँ पर है और अपने क्वेश्चंस के साथ में अपन और भी आगे डिस्कस करते जाएंगे। फिर जब सेंट्रल पार्ट फुलफिल हो जाता है और एक्सटीरियर जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो फिर आपकी एक्स्ट्रा ग्रोथ स्टार्ट होती है। अच्छा सुने, प्लांट देखे कि प्लांट जब 1 या 2 ईयर का होता है तब तक उसकी प्राइमरी ग्रोथ होती है, बिल्कुल, फिर सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट होने के बाद लाइफ टाइम कंटिन्यू रहती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ में पहले स्टेबल ग्रोथ होती है, स्टेबल ग्रोथ 2-3 ईयर की हो जाती है, उसके बाद आपका क्या स्टार्ट, एक्स्ट्रा स्टेबल इनिशियली एक्स्ट्रा स्टेबल ग्रोथ नहीं होती है। तो अपन क्वेश्चन के साथ अपन आगे और भी डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट देखिएगा अपन कुछ क्वेश्चन को देखते हैं इससे रिलेटेड। तो आप ध्यान दीजिएगा कि भी जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, आप अगर कंसेप्ट पढ़ते हैं, थ्योरी को ढंग से पढ़ते हैं, तो क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है, इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ डाइकोट स्टेम फ्यू लेयर प्रेजेंट बिटवीन टू वेस्कुलर बंडल, बिल्कुल। अब आपसे पूछा है कि द्विबीजपत्री तने की प्राथमिक संरचना में दो सवन पुलों के मध्य कुछ परतें होती है, तो अभी आपको अपने स्टिलर पार्ट बताया, दैट इज पेरीसाइकिल, पेरीसाइकिल, क्लियर। फिर अपने क्या कहा है यहां पर कि ये वेस्कुलर बंडल सिमिलर साइज, क्लियर, कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन, तो ये वेस्कुलर बंडल आपके हो गए, क्लियर, ये वेस्कुलर बंडल, क्लियर। अब यहां पर कौन जॉइंट कोलेटरल ओपन, तो ये कैम्बियम आपको बताया, क्लियर, ये सेंट्रल पैरेन्काइमेटस पार्ट, पित्त आपको बताइए, और यहां इलोंगेशन अपने बताया मेडुलरी रेज, तो वीपी के मध्य क्या थी, प्राइमरी मेडुलरी रेज। अब देखिएगा ये क्या कहेगा, कई बच्चे क्या कर देते हैं, इंट्रा को आंसर कर देते हैं, यहाँ कंफ्यूज होते हैं, इंट्रा को आंसर कर देते, जब ये रॉन्ग हो जाएगा, इंट्रा तो किसके बीच है, वीपी के बीच नहीं है, इंट्रा तो है फ्लोएम, ये फ्लोएम और ये जाइलम, और जाइलम में जैसे अपन बात करते हैं कि ये आपने ये इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम होती है, तो ये फ्लोएम ये जाइलम दोनों सेम रेडियस पे, तो इंट्राफेस्कुलर कैम्बियम जो है वो बिटवीन वेस्कुलर बंडल नहीं है, इनसाइड ऑफ वेस्कुलर बंडल है, हाँ, इट मीन बिटवीन फ्लोएम और जाइलम, क्लियर, बिल्कुल। तो फिर ये आप जानते हैं कॉन्जॉइंट हो गए, फिर आउटर फ्लोएम है तो कोलेटरल हो गया, और बीच में ये कैम्बियम है तो कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन हो गया, लेकिन टू वीपी वेस्कुलर बंडल के बीच में क्या है, तो वो आपकी है प्राइमरी मेडुलरी रेज, बिल्कुल, क्लियर। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि ना इंट्रा आंसर होगा ना इंट्रा आंसर होगा, यहां पर आपका आंसर होगा प्राइमरी मेडुलरी रेज, सीधा एनसाइटिक लाइन है, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और कंजक्टिव टिश्यू तो आप जानते हो रूट में होता है, बिल्कुल, अकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शन आंसर विल बी थर्ड, थर्ड, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हिच वन इज करेक्ट अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ, कौन द्वितीयक वृद्धि के लिए सही है, यंगेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम is just outside the cambium while youngest secondary xylem just inside cambium। अगर अपन बात करें यहाँ पर जैसे ये अपने पास में क्या हो गया, एक तरीके से cambium हो गई, ये अपने पास में cambium, cambium जो है ये अपने cambium में सबसे बाहर, यहाँ पे देखें यहाँ पे क्या बनता है phloem, और इस तरफ क्या बनता है xylem बनता है, अपने से मान लेते हैं, तो phloem जो है अगर इस तरफ बन रहा है
और जाइलम इस तरफ बन रहा है, तो सबसे पुराना फ्लोएम जो होगा वो यहाँ पे बिल्कुल दूर होगा, इधर यहाँ पे होगा ओल्डेस्ट फ्लोएम, ये यहाँ पे ओल्डेस्ट फ्लोएम है। और इस तरफ जाइलम की बात अगर मैं करूँ तो बिल्कुल यहाँ पर जो लास्ट में होगा ये अपने पास में हो जाएगा ओल्डेस्ट जाइलम, ये अपने पास ओल्डेस्ट जाइलम है। फिर जैसे मान लो साहब सबसे नया जो बनेगा वो यहाँ बन जाएगा, तो सबसे नया बनने वाला बिल्कुल कहाँ पे होगा, इस कैम्बियम के जस्ट इनर साइड होगा, सबसे नया बनने वाला फ्लोएम कैम्बियम के जस्ट ऊपर की तरफ होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर सही स्टेटमेंट है, ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, सबसे पुराना सेकेंडरी फ्लोएम इस जस्ट अबाउ, नहीं भाई जस्ट अबाउ नहीं, फॉरेस्ट सबसे दूर होगा बिल्कुल, वाइल ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम इस जस्ट अबाउ, ना ये यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया है। युका एंड रेसिना शो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ, नो एबनॉर्मल, अभी हमने बात की थी दोनों करते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ, ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तो राइट स्टेटमेंट फर्स्ट यहाँ पे हो गया, और वो तो आप समझ सकते हैं कि पिथक्योर ले लें, जैसे ही वेस्ट फ्लोएम कैम्बियम है तो वो तो पिथक्योर आपका सेकेंडरी जाइलम बनता है, और आप जानते हैं पेरिफेरी की ओर आपके सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, तो लेयर कट ऑफ होती जाती है, जैसे फर्स्ट लेयर बनी सेकेंडरी जाइलम की, फिर जैसे नहीं बनी वो आगे खिसक जाएगी, फिर नहीं बनी आगे खिसक जाएगी। तो वीसी के पास सबसे यंगेस्ट होता है, और वीसी से जितना दूर जाते हैं तो ओल्डेस्ट होती है, ओल्डेस्ट जाता जाता है, जो आपको पहले डायग्राम में सब चीजें आपको एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम सेल्स ऑफ अंतरपुलीय एधा, किसकी कोशिका से उत्पन्न होती है, मेडुलरी रेस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, फेसिकुलर कैम्बियम। नो, अपने को पता है कि जो दो वेस्कुलर बंडल होते हैं उनके बीच में क्या होती है, मेडुलरी रेस, और जो मेडुलरी रेस होती है उनका कुछ पार्ट इस तरीके से फॉर्मेशन करता है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम का, जो कि ओरिजिन के बेसिस पर सेकेंडरी होती है, सेकेंडरी भाई, वो तो डी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो गया ना आपका, डी डिफरेंशिएशन, तो डी डिफरेंशिएशन से तो परमानेंट से सेकेंडरी मेरिस्टेम आपका डेवलप होता है, और अपने फर्स्ट स्टेप वही बताया, और प्राइमरी मेडुलरी रेज में जब डी डिफरेंशिएशन होता है तभी आपका क्या होता है, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो आप जानते हैं कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, इंटर वो एसएमटी है, बिल्कुल क्या है, एसएमटी, और व्हाई द डी डिफरेंशिएशन इन प्राइमरी मेडुलरी रेज, आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर एक्टिवेशन ऑफ फेसिकुलर कैम्बियम द सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स पिथ आर डिफरेंशिएटेड इनटू, पुलीय एधा की सक्रियता के पश्चात कोशिकाएं जो पित्त की ओर कटती है, सीधा सी बात है, डिस्कस कर चुके हैं बिल्कुल भाई, जैसे ही वेस्कुलर कैम्बियम बन गया वीसी, क्लियर, स्टिलर ग्रोथ में वीसी, तो पित्त की साइड क्या बनेगा, इनर साइड क्या बनेगा, सेकेंडरी जाइलम, आउटर साइड क्या बनेगा, सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल क्लियर। और अपने कहा कि जो इनर साइड है उसको आप चाहो तो ये आप इनर साइड मान लो पित्त की ओर मान लें, तो ये सेकेंडरी जाइलम आपके फॉर्म होते जाएंगे, बिल्कुल, जैसे अपने बताया था कि SX4, SX3, SX2 और SX1 सबसे पहले ही बना था वन, बिल्कुल, और प्राइमरी जाइलम यहां चला ही जाएगा, बिल्कुल खिसकता चला जाएगा, हाँ, तो सिर्फ पित्त की ओर क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम, और वो ज्यादा बनता है, और उधर आपका पेरिफेरी की ओर आपका क्या बनता है, सेकेंडरी फ्लोएम वो कम बनता है, तो सीधी सी बात है, आपका आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, कैम्बियम इज ए टाइप ऑफ एधा, एक प्रकार है, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकिलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम या परमानेंट और मैच्योर मेरिस्टेम, पर कह सकते हैं कैम्बियम चाहे तो वेस्कुलर कैम्बियम हो चाहे कोर कैम्बियम हो, दोनों ही लेटरल मेरिस्टेम है, क्योंकि दोनों लेटरल ग्रोथ करती है, दोनों चौड़ाई को बढ़ाती है, वैसे सीधी सी बात है, लेटरल मेरिस्टेम होता है, और लेटरल मेरिस्टेम जनरली आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट केसेस में आपका सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, एसएमटी होता है, बस इसका एक एक्सेप्शन है इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, जो प्राइमरी होते हो लेटरल पोजीशन पे है, बिल्कुल, वरना तो एपिकल पे होता है प्राइमरी, लेकिन इंट्रा फेसिकुलर है ना वो प्राइमरी होते हुए क्या है, लेटरल पोजिशन पर है। और सीधी सी बात, एक अपन क्वेश्चन याद करना है कि अर्थ की जो सभी कैम्बियम है, फर्स्ट ऑफ ऑल है ना, बिल्कुल, अर्थ की सभी कैम्बियम आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट ओरिजिन में क्या होती है, सेकेंडरी, ओनली सिंगल प्राइमरी है, एक्सेप्शन जो आपका वो है इंट्रा, इंट्रा फेसिकुलर, वो क्या है, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, बाकी आप जानते हो चाहे इंटर फेसिकुलर कैम्बियम डाइकोट स्टेम में या रूट में, तो वेस्कुलर कैम्बियम पूरा ही सेकेंडरी होगा, चाहे कोर कैम्बियम हो, कोर कैम्बियम या जो घाव भरता है वाउंड कैम्बियम, ये ऑल कैम्बियम आपकी क्या होती है, सेकेंडरी, ऑलमोस्ट कैम्बियम आर सेकेंडरी, एक्सेप्शनली इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, लेकिन वो प्राइमरी होते हो लेटरल पोजीशन पे है, बिल्कुल, जो गर्थ इंक्रीमेंट में आपका हेल्प कर रही है, तो आप समझ रहे हैं, लेकिन वो टाइप क्या होगा, लेटरल मेरिस्टेम ही होगा, लेटरल मेरिस्टेम, तो सीधा सा है कि यहां पर आपका आंसर क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6, द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम बिकॉज द्वितीयक जाइलम की मात्रा द्वितीयक फ्लोएम से ज्यादा होती है, क्योंकि प्लांट रिक्वायर लो अमाउंट ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम,
ऐसा नहीं है। सेकेंडरी फ्लोएम इज सेंसिटिव फॉर इंसेक्ट, नो ऐसा भी नहीं। कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव और इनर साइड, यस, क्योंकि जो कैम्बियम है उसमें अंदर की तरफ ऑक्सिन हार्मोन के ज्यादा होने से वो ज्यादा सक्रिय होती है, ज्यादा जाइलम का फॉर्मेशन करता है। प्लांट रिक्वायर्ड मोर कंडक्टिव टिश्यू, ये यहां पर रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी नहीं है। भाई सीधी सी बात है कि जाइलम सेकेंडरी जाइलम फॉर्म 8 to 10 times बिल्कुल मोर देन सेकेंडरी फ्लोएम। सेकेंडरी फ्लोएम की तुलना में जो द्वितीयक जाइलम होता है 8 to 10 times ज्यादा बनता है। बिल्कुल। और वो होता है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम होती है अंदर की ओर से ज्यादा सक्रिय होती है। बिल्कुल। और वो ज्यादा सक्रिय क्यों होती है, क्योंकि वो फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर होते हैं ऑक्सिन हार्मोन की जो भी कंसंट्रेशन है इन्फ्लुएंस करता है। हाँ, तो वो आप समझ रहे हैं कि फिर अंदर की ओर से ज्यादा डिवाइडेशन होगा तो सेकेंडरी जाइलम क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो सीधी सी बात होता है कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव फ्रॉम इनर साइड, जो अपन आप एक्सप्लेन कर चुके हैं। बिल्कुल। ध्यान दीजिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7, टाइलोसिस आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर दे आर, टाइलोसिस गुब्बारेनुमा संरचना होती है, वो क्या है? बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि टाइलोसिस क्या करती है, सैप वुड को ओनली सैप वुड होती है जो फंक्शनल है। बिल्कुल। कंडक्शन में आप जानते हैं उसको हार्ड वुड में कन्वर्ट करती है, हार्ड वुड में उसकी जो ल्यूमन है उसको ब्लो कर देती है। बिल्कुल। तो हार्ड वुड आप जानते हैं कि कंडक्शन में रोल नहीं करेगी, नहीं करता। क्लियर। सीधी सी बात है कि जैसे वैस्कुलर कैम्बियम से सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होता रहता है, तो सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होते होते आप समझ सकते हो कि जो सबसे ओल्डेस्ट जो सेकेंडरी जाइलम है, तो आप समझ सकते हैं इसके अंदर क्या होता है कि भी प्राइमरी जाइलम तो सेंटर पे इंटैक्ट रहता है, ये रिमेन रहता है, बट आप जानते हैं कि जब प्रेशर इंक्रीज होता है तो सेकेंडरी जाइलम की जो वेसल्स हैं और उनके बीच जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं, पैरेन्काइमा सेल्स, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो आप समझ सकते हैं ये बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको ब्लॉक कर देती है। बिल्कुल। तो ओल्ड सेकेंडरी जाइलम है या सेकेंडरी जाइलम, फिर वो आप जानते हैं कंप्लीटली डेड हो जाता है, हार्ट वुड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। तो ये आप समझ रहे हैं, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आप देखिएगा, आउटर ग्रोथ ऑफ पैरेन्काइमा इन लुमेन ऑफ वेसल इन प्राइमरी जाइलम, यहां ये रॉन्ग दे दिया क्योंकि वो सेकेंडरी जाइलम होता है, ओल्ड सेकेंडरी जाइलम माना चाहिए। बिल्कुल। जो हार्ट वुड होती है। बिल्कुल। आउटर ग्रोथ ऑफ कंपेनियन सेल इन लुमेन ऑफ सिव सेल नहीं होगा, इनर ग्रोथ ऑफ वेसल इन देयर लुमेन नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि नन ऑफ दीज आपका हो जाएगा। बिल्कुल। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बिल्कुल। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, आंसर विल बी फोर। क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, इन मैच्योर पार्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, मतलब एंजियोस्पर्म की बात कर रहा है, द टिश्यूज फॉर्मड आफ्टर डीडिफरेंशिएशन, डीडिफरेंशिएशन के बाद में, इसका मतलब ये सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक की बात कर रहा है। हां, तो फाइबर जाइलम फ्लोएम सैप वुड ये यहाँ पे है, लेटवुड एंड सेकेंडरी फ्लोएम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, फेलोडर्म एंड बार्क, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड फेलोजन। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है और जो फेलोजन है ये यहाँ पर सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के एग्जांपल है जो कि डीडिफरेंशिएशन बनते हैं। भाई सेकेंडरी ग्रोथ कोई भी हो, चाहे स्टिलर हो और चाहे एक्स्ट्रास्टिलर हो, जो फर्स्ट की पॉइंट है दैट इज डीडिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए, जैसे प्राइमरी ग्रोथ के लिए प्राइमरी मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल होता है, प्राथमिक विद्युतक जिम्मेदार होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सेकेंडरी मेरिस्टेम है। हाँ हाँ। तो चाहे वो तो स्टिलर हो चाहे एक्स्ट्रा स्टिलर हो, आप समझते हैं कि स्टिलर पार्ट में वेस्कुलर कैम्बियम बन जाएगा और यहाँ कोर कैम्बियम, ये तो ऑलवेज सेकेंडरी होता है। वेस्कुलर कैम्बियम डाइकोट स्टेम में पार्शियली प्राइमरी सेकेंडरी होता है, लेकिन रूट में तो क्या होता है, सेकेंडरी होता है। तो ये डीडिफरेंशिएशन प्रोसेस आप जानते हो कि उसका की पॉइंट है, डीडिफरेंशिएशन के फलस्वरूप या थ्रू आपका बनता है सेकेंडरी मेरिस्टेम और फिर वो रेस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है वो तो डाइकोट स्टेम के स्टिलर पार्ट में है। बिल्कुल। स्टिलर पार्ट में, और ये जो फेलोजन है दैट इज कोर कैम्बियम, और कोर कैम्बियम आप जानते हो एक्स्ट्रा स्टिलर पार्ट में, जनरली हाइपोडर्मिस से बनती है, हाइपोडर्मिस के डीडिफरेंशिएशन से फॉर्म होती है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर विल बी फोर, क्योंकि यहाँ पूछा मैच्योर पार्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट द टिश्यू फॉर्म आफ्टर डीडिफरेंशिएशन। और सीधी सी बात है कि ग्रोइंग रीजन में तो प्राइमरी मेरिस्टेम होता है, जब सेकेंडरी ग्रोथ होनी होती है तो ये जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है ये मैच्योर पार्ट में आता है और गर्थ इंक्रीमेंट करता है, और वो बाय द प्रोसेस ऑफ डीडिफरेंशिएशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर विल बी फोर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर, द कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड एक्युमुलेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम लीड टू, द्वितीयक जाइलम का सतत निर्माण तथा संग्रहण परिणत होता है ग्रेजुअल ऑब्लिगेशन ऑफ पेरिडर्म उत्तरोत्तर परिचर्म के विलोपन के अंदर, ग्रेजुअल क्रशिंग ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम उत्तरोत्तर सेमल एंडानी कुचलने में, ग्रेजुअली क्रशिंग ऑफ प्राइमरी जाइलम प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम उत्तरोत्तर प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम के कुचलने में, या क्रशिंग ऑफ हार्टवुड दृढ़ कास्ट के कुचलने में। पता है कि जब सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन होगा तो जो प्राइमरी जाइलम है वो भी क्रश होगा और बाहर की तरफ जो फ्लोएम है वो भी क्रश हो जाएगा। सीधी सी बात है कि भाई द्वितीयक जाइलम का सतत निर्माण बिल्कुल कंटिन्यूसली, तो आप जानते हो सेंटर स्पेस फुलफिल हो जाएगा,
तो प्राइमरी जर्म तो फिर भी इंटेक्ट फॉर्म में या लेस इंटेक्ट या बचा रहेगा थोड़ा सा, वो तो बचा रहता है, लेकिन जैसे अंदर का डायमंड फुल हो जाता है, बार प्रेशर इंक्रीज होता है, तो जो सेकेंडरी फ्लोएम या प्राइमरी फ्लोएम है वो आप जानते हो कर्स्ट होता है, बिल्कुल, मतलब वो जो रिंग है वो बाहर की तरफ खिसकना शुरू हो जाता है, कर्स होना, और बाद में आ जाता है तो आपकी क्या एक्स्ट्रा स्टिलर ग्रोथ हो, बिल्कुल एक्स्ट्रा स्टिलर ग्रोथ हो। तो नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, सेकेंडरी मेडुलरी रेस आर द्वितीयक मज्जारश्मियां है, नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा इन मोनोकोट रूट, डेड लिग्निफाइड सेल, लिविंग आइसो डायमेट्रिक सेल्स फॉर रेडियल कंडक्शन formed by only prokaryotes, तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं आंसर यहाँ पे थर्ड हो जाएगा, थर्ड आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ रहा सेकेंडरी मेडुलरी, बिल्कुल, तो यहाँ मोनोकोट रूट की तो बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ है, डेड लिग्निफाइड होती नहीं है, होती नहीं, क्योंकि लिविंग सेल्स हैं, सेकेंडरी पैरेन्काइमा है, बिल्कुल, और लिविंग आइसोडायमेट्रिक रेडियल कंडक्शन, सीधी सी बात है, आपने कहा था कि वेस्कुलर कैम्बियम आपकी है, वेस्कुलर कैम्बियम, अब वेस्कुलर कैम्बियम है, आप जानते हो कि वेस्कुलर कैम्बियम इनसाइड क्या बनता है, सेकेंडरी जाइलम, तो ये सेकेंडरी जाइलम बनता जाएगा, आप समझ रहे हैं सेकेंडरी जाइलम, और सेंटर पे आप समझ सकते हो कि पिथ, जो पिथ यानी वहां प्राइमरी जाइलम है, क्लियर, तो ये आपका सेकेंडरी जाइलम फॉर्म हो जाएगी, क्लियर, आउटर साइड आपका क्या होगा, ये आपका सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल, क्लियर। अब आप जानते हैं कि जो आपको बताया था कि वेस्कुलर कैम्बियम जो आपकी होती है, वेस्कुलर कैम्बियम, तो वहां देखिएगा कि ये वेस्कुलर कैम्बियम है, तो वेस्कुलर कैम्बियम का जो मेन पार्ट अपना फ्यूजिफॉर्म बताया था, ये रे इनिशियल बताया था, बिल्कुल, तो ये तो बनाता है सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, और जो रे इनिशियल है वो क्या फॉर्म करता है, रेडियल, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज, तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज वहां पर आपकी फॉर्म होती है, क्लियर, तो ये लिविंग आइसोडायमेट्रिक सेल्स होती है, सेकेंडरी पैरेन्काइमा आपका होता है, तो आंसर विल बी थर्ड। हां ध्यान दीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, मैच द कॉलम, स्तंभों को मिलान कीजिए, एक तरफ यहां पे स्प्रिंग वुड, अर्ली वुड है, यहां पे ऑटम वुड एंड लेट वुड, अपन कह सकते हैं इसको, शीर्ष बात है, बिल्कुल, तो लाइटर इन कलर ये यहाँ पे स्प्रिंग वुड में होता है, डेंसिटी हाई ये अपने पास में ऑटम वुड है, डेंसिटी लो स्प्रिंग वुड है, डार्कर इन कलर ये अपने पास में ऑटम वुड आ गया, लार्ज नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट अपने पास में स्प्रिंग वुड का कैरेक्टर है, वेसल्स विद वाइडर कैविटी, बड़ी गुहा, यूथ वाहिका, तो यहाँ पे कौन सी होगी, स्प्रिंग वुड होगी, लेसर नंबर ऑफ जाइलम एलिमेंट ये अपने पास में हो गया ऑटम वुड, वेसल्स विद स्मॉल कैविटी ये भी अपने पास में कौन सा हो गया, ऑटम वुड हो गया, बिल्कुल। वैसी जैसी बात अपने कहा था कि जो वेस्कुलर कैम्बियम है, बिल्कुल वेस्कुलर कैम्बियम है, उसके ऊपर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी का जो इफेक्ट होता है तो होगा होगा, सीधी सी बात, इनर साइड से ज्यादा एक्टिव होगा, आउट साइड से कम होगा, बिल्कुल। अपने कहा था वेस्कुलर कैम्बियम प्लांट के पूरे लाइफ टाइम में आपके टेम्परेट रीजन में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होता है और सीजनल वेरिएशन होता है, तो वहां दो सीजन अपन बात कर लें कि जैसे ऑटम और स्प्रिंग, ऑटम में टेम्परेचर कम, स्प्रिंग में ज्यादा, यस, तो यहाँ बहुत कम टेम्परेचर होता तो वेस्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी भी कम होती है, बिल्कुल, और यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम मोर एक्टिव होता है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर हाई है, क्लियर, जब यहाँ लेस एक्टिव होता है तो फॉर्मेशन कम होगा, बिल्कुल, जाइलम एलिमेंट का ट्रैकेड वेसल फॉर्मेशन कम होगा, बिल्कुल, लेकिन उनकी जो लुमेन होगी वो नैरो होगी और थिकनिंग जो लिग्निन की थिकनिंग है वो ज्यादा होगी, सेल वॉल काफी मोटी होगी, क्लियर, तो डेंसिटी हाई होगी और नैरो लुमेन होगी और डेंसिटी हाई होगी, जबकि यहाँ फास्ट फॉर्मेशन होगा, वेस्कुलर कैम्बियम से जाइलम एलिमेंट का फास्ट फॉर्मेशन होगा, फास्ट फॉर्मेशन होने से जो सेल वॉल है वो थिक नहीं हो पाएगी, थिक नहीं हो पाएगी, लुमेन यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, लुमेन बड़ी रहेगी और थिकनिंग कम रहेगी, डेंसिटी लो रहेगी, डेंसिटी लो रहेगी, तो आप ऑटम वुड और स्प्रिंग वुड के डिफरेंसेस निकाल लें आप, और बहुत अच्छा कंसेप्ट आपका इंसर्ट में रखा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन करें तो आपके सारे जो कॉलम है वो मैच कर रहे हैं, बिल्कुल, तो आप समझ रहे हैं कि स्प्रिंग से एक अपन निकाल लेते हैं, स्प्रिंग से कौन कर रहा है, ए पे कौन कौन आ रहा है, ए पे एक आ रहा है, फर्स्ट आ रहा है, उसके बाद थर्ड आ रहा है, फाइव आ रहा है, सिक्स आ रहा है, बिल्कुल, हाँ, और जो बाकी बच्चे वो बी के अंदर, हाँ, तो अब ए में आप देख लीजिएगा फर्स्ट थर्ड फाइव और सिक्स, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन, क्लियर, तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिएगा मूविंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ट्री ट्रंक आउटवर्ड द ऑर्डर ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, वृक्ष के तने के केंद्र से बाहर की ओर आप जा रहे हैं,
तो समउत्क्रमण क्रम बताइए सेंट्रीफ्यूगल तरीके से है ना। तो आप दिमाग लगा दीजिएगा कि वो भी आप ट्री ट्रंक का मतलब सेकेंडरी ग्रोथ हो गई उसके लिए, ये भारी भरकम जो आपका स्तंभ बन गया। तो उसमें आप मान लो कि सबसे सेंटर पे कौन होता है, प्राइमरी जाइलम, फिर आपका आता है सेकेंडरी जाइलम ओल्डेस्ट, ऐसे सेकेंडरी जाइलम न्यूएस्ट, फिर आपका आता है सेकेंडरी फ्लोएम, फिर आपका प्राइमरी फ्लोएम जो कर्स्ट हो गया, और फिर अपन आउटर की ओर अपन आते हैं। बिल्कुल सही, तो सीधी सी बात है बेटा, वहां पर देखिएगा बिल्कुल सेंटर में कौन होगा, हाँ प्राइमरी जाइलम बिल्कुल, और फिर आपका होगा सेकेंडरी जाइलम। तो देखिएगा यहाँ आपको दे रखा है प्राइमरी जाइलम, फिर आपका सेकेंडरी जाइलम, फिर वेस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, ये सीक्वेंस थी। बिल्कुल अपने कहा था भाई, देखो दिमाग में करो कि जैसे ये आपका वेस्कुलर कैम्बियम है ना, तो ये इनसाइड आपका सेकेंडरी जाइलम, बिल्कुल सेंटर पे थोड़ा बहुत रहेगा आपका सेकेंडरी फ्लोएम, और आउटर आप जानते हैं कि आउटर यहाँ पर आपका बनता जाएगा सेकेंडरी फ्लोएम, और जो कर्स्ट आपका प्राइमरी फ्लोएम जो भी आपका होता है। तो सेंटर से आप आएंगे प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, वेस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्राइमरी फ्लोएम, बिल्कुल क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच इज ट्रू अबाउट हार्टवुड ड्यूरामेन, कौन सा हृदय कास्ट ड्यूरामेन के लिए सही है, इट डज नॉट हेल्प इन वाटर एंड मिनरल कंडक्शन, बिल्कुल इट इज डार्क कलर्ड बट सॉफ्ट, नो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि यहां पर क्या होती है, हार्ड होती है बिल्कुल। इट हैज ट्रेकिन एलिमेंट्स फिल्ड विद टैनिन रेजिन गम्स एंड ऑयल एक्सेट्रा, इट इज पेरिफेरल, ये जो अपने पास हार्टवुड ऑफ पेरिफेरल नहीं होता, सेंट्रल होता है, इट इज सेंसिटिव टू माइक्रोब, नो इट इज नॉट सेंसिटिव, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स का डिपोजिशन होता है, हार्ड हो जाएगा, नहीं होता। तो फर्स्ट एंड थर्ड आंसर होगा यहाँ पे, बिल्कुल फर्स्ट एंड थर्ड, सीधी सी बात है बेटा। वेस्कुलर कैम्बियम जैसे कंटिन्यूसली आप जानते हैं कि वेस्कुलर कैम्बियम सेकेंडरी जाइलम फॉर्म करता है, तो अपन कहते हैं कि सबसे ओल्ड सेकेंडरी जाइलम जो सबसे पहले फॉर्म हुआ था, और सबसे न्यू इधर है, और ये आप जानते हैं कि आगे से आगे सबसे ओल्ड हो गया, फिर प्राइमरी जाइलम। तो अपने कहा था कि जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है तो सेकेंडरी जाइलम है, तो सेकेंडरी जाइलम के जो ये ट्रेकेड वेसल्स आपकी होती है, तो यहाँ टाइलोसिस होकर ब्लॉक हो रहे थे, तो सैपवुड किस में कन्वर्ट होती, हार्टवुड में। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेंटर के ऊपर जो सेंटर डार्क पार्ट होगा, तो सेंटर डार्क पार्ट जो आपका है ये आपका हार्टवुड है, और ये पेरिफेरी आपका क्या है, सैपवुड है। सैपवुड किस में कन्वर्ट होता रहता है, हार्टवुड में कंटिन्यूसली, क्लियर। तो ये सैपवुड तो कांस्टेंट रहता है, हार्टवुड अपना इंक्रीज होता रहता है। तुमने बड़े भारी भरकम वृक्षों टूटते हुए देखा होगा, जैसे आप जानते हैं कि बबूल का ये बड़ा ट्री ट्रंक या खेजड़ी जो होती है उसका ट्री ट्रंक टूटता है, तो वहां सेंटर पे हार्ड एकदम खटोर और डार्क कलर आपकी आती है, वो हार्टवुड होती है, और पेरिफेरल थोड़ा सा मतलब लाइट कलर आपका आता है, वो क्या होती है, सैपवुड। अब आप जानते हो कि हार्टवुड है ना, जैसे सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम में पेरेनकाइम एक लिविंग कंपोनेंट है, ऑलमोस्ट डेड ही, लेकिन सैपवुड में भी ऑलमोस्ट डेड है, केवल सेकेंडरी पेरेनकाइमा लिविंग है, लेकिन हार्टवुड में तो कुछ भी लिविंग नहीं है, वो सेकेंडरी पेरेनकाइमा में क्या होता है, टैनिन रेजिन इनके और इनके डिपोजिशन से वो कंप्लीटली ब्लॉक हो जाती है, डेड हो जाती है, और वो हाई लिग्निन टैनिन रेजिन इन सब का होता है, तो वो आप जानते हैं इंसेक्ट के लिए इनके लिए रेजिस्टेंस होती है, है ना, ड्यूरेबल आपकी होती है, क्लियर, हार्ड आपकी होती है, तो आपकी होती है हार्टवुड। तो वहां बिल्कुल डिफरेंसेस कर लें कि सैपवुड क्या है और हार्टवुड क्या है, और सैप से ही सैपवुड ही कन्वर्ट होती है कंटिन्यूसली किसमें, हार्टवुड के अंदर। तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, एनुअल रिंग्स आर सीन इन टेम्परेट जोन ट्रीज बिकॉज ऑफ वार्षिक वलय समशीतोष्ण क्षेत्र के रूप में दिखाई क्यों देती है, जाइलम सेल साइज वेरीज विद सीजन, हार्टवुड अल्टरनेट विद सैपवुड, फ्लेम एक्टिविटी वेरीज विद सीजन, रेजिन इन डिपॉजिटेड इन द रिंग इन द स्टेम। अपन यहां पर कह सकते हैं कि जो जाइलम की जो सेल होती है उसकी साइज वेरी करती है सीजन के सीजन के ऊपर। अपने बताया था कि वो देखो ग्रोथ रिंग फर्स्ट सेकंड यानी इजीली है कि सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे ऑटम और मैंने आपको स्प्रिंग बताया था, तो वो दो वुड बनती है आपकी, और वो आप जानते हैं कि कंसेंट्रिक अल्टरनेट रिंग्स हो तब आपकी बनती है क्या, एनुअल रिंग। बिल्कुल एनुअल रिंग यानी फर्स्ट ग्रोथ रिंग, जैसे मान लो कि ऑटम, फिर आप स्प्रिंग, फिर ऑटम, फिर स्प्रिंग, तो वो आपका फॉर्म होती है एनुअल रिंग्स, और एक ईयर में एक एनुअल रिंग फॉर्म होती है। बिल्कुल, तो जब से ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, मान लो आफ्टर वन ईयर हुई, उसके बाद अपन एनुअल रिंग को काउंट करके इसकी एज को डिटरमाइन कर सकते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। बिल्कुल, जो अपन बोलते हैं, तो वहां पर आप जानते हैं कि जाइलम सेल साइज वेरी सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे ऑटम के अंदर वो लुमेन कैविटी होती है वो स्मॉलर होती है, और स्प्रिंग में लार्ज होती है, लार्ज होती है, तो वो डार्क कलर और लाइट कलर वो आपका बनता जाता है, तो तब आपकी यानी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से एनुअल रिंग बनती है, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट में नहीं बनती है, क्योंकि ये सब तो आपको नॉर्मल वाली बातें दे रखी है,
है ना, क्लियर? तो आंसर आपका क्या हो गया, फर्स्ट, क्लियर? नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 व्हिच इज नॉट करेक्ट अबाउट सैपवुड, कौन सा रस कास्ट के संदर्भ में सही नहीं है, इट इज फॉर्मड बाय लिविंग सेल, तो साहब ये यहां पे लिविंग सेल नहीं है, ये यहां पे डेड सेल होती है, और वो सारे डेड है, वो डेड, देखो वुड जहां जाए ना वो डेड ही है, क्योंकि बेसिकली वुड रिप्रेजेंट चाहे वो सैप हो और चाहे वो हार्ट हो, लेकिन ये है कि सैप में कुछ एलिमेंट लिविंग, जाइलम पेरेन्काइमा थोड़ा बहुत एलिमेंट लिविंग पॉसिबल है, बट हार्ट में तो कोई लिविंग होगा ही नहीं, वो लिविंग इसलिए नहीं होगा बिकॉज़ वो क्रश हो जाएगा, क्रश हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि इट इज पेरिफेरल पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, तो ये बात आपकी करेक्ट है, बिल्कुल। लेकिन आपसे पूछा है कि नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट, क्लियर? तो आप समझ रहे हैं कि यहाँ नॉट करेक्ट आपका आंसर क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, तो ये नॉट करेक्ट हो गया, ये तो करेक्ट है, रेजिन ऑयल टैनिंग ये भी आपका क्या है कि करेक्ट है, क्योंकि हार्टवुड में होता है, सैप में एब्सेंट होते हैं, ये भी करेक्ट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पर कौन सा हुआ, फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, क्लियर? तो आप जानते हैं कि भी लिविंग सेल थोड़े तो ऑलमोस्ट डेड होता है, डेड में लिविंग कंपोनेंट हो सकता है, बिल्कुल, क्लियर? नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16, हार्टवुड इज डार्क कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रेजिन, गम, टैनिन एंड ऑयल्स, प्रेजेंस ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज यहाँ पे होगा नहीं, सुक्रोज नहीं होगा, स्टार्च नहीं होगा, वोलेटाइल एसेंशियल ऑयल, फिनोलिक, तो बेसिकली यहाँ पे रेजिन, गम, टैनिन, ये जो एल्कलॉइड्स है इनका जमाव यहाँ पे होता है, सीधी सी बात है भाई, वैसे टाइलोसिस हो जाती है और वो ब्लॉकेज हो जाती है, लिग्निफिकेशन, लिग्निन का डिपोजिशन वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उससे वो बिल्कुल कंप्लीटली डेड पार्ट हो जाता है, 100% डेड पार्ट हो जाता है, और साथ में ये जो टैनिन रेजिन है ये और ज्यादा डिपोजिट होकर उनकी लुमेन को सबको ब्लॉक कर देते हैं। तो अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी फर्स्ट। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17, सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट इन डायकोट स्टेम, नहीं होती है, जिम्नोस्पर्म के अंदर भी होती है, मोनोकोट का स्टेम जो है उसके अंदर बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं पाई जाती है, डायकोट के रूट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। पहला स्टेटमेंट अपने कहा था कि भी जिम्नोस्पर्म और डायकोट में सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल है, बिल्कुल, वो भी रूट एंड स्टेम और डायकोट, और उनमें कहा रूट और स्टेम, रूट और स्टेम, और उनके कौन से पार्ट में, स्टिलर और एक्स्ट्रा स्टिलर, जो स्टिलर है या एक्स्ट्रा स्टिलर है, तो दोनों पार्ट में आपको पॉसिबल है, तो इनमें लीफ भी नहीं, और मोनोकोट और टैडोफाइटा में जनरली क्या होती है, एब्सेंट होती है, तो मोनोकोट स्टेम में क्या हो जाएगी, एब्सेंट हो जाएगी, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन आंसर विल बी थर्ड। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, इन डायकोट रूट इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट एंड वैस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ प्लस फॉर्म, द्वितीय घटना के दौरान द्विबीजपत्री मूल में पार्श्व मूल, यहां पे अपन एक बात करना चाहेंगे कि अगर लेटरल ब्रांच निकल रही है तो रूट पे निकलती है पेरिसाइकल से, और जो स्टेम उससे निकलती है कॉर्टेक्स पार्ट में, तो यहाँ पर एंडोजेनेसिस का ओरिजिन है पेरिसाइकल से निकलती है। वो तो आप समझ सकते हैं कि भी चाहे मोनोकोट रूट हो डायकोट रूट हो, पेरिसाइकल का एक फंक्शन तो कॉमन है कि वो लेटरल रूट फॉर्म करेगी, उसके बाद आप जानते हैं कि अगर वो डिडिफ्रेक्शन में जाती है और सेकेंडरी मेस्टम टिश्यू फॉर्म करती है, सेकेंडरी ग्रोथ ओनली डायकोट रूट में, लेकिन प्राइमरी में वो मोनोकोट रूट में ऐसा नहीं करेगी, क्लियर? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट वैस्कुलर कैम्बियम ओरिजिनेट फ्रॉम, बिल्कुल, थोड़ा देखो ध्यान दीजिएगा कि भी सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में, डायकोट स्टेम में और डायकोट रूट में, यहां पर लिख देते हैं डायकोट, बिल्कुल। अब स्टिलर रीजन में आपका बनता है वैस्कुलर कैम्बियम, आपने स्टेम का वैस्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन इनिशियली शुरू में आपने पढ़ लिया कि वहां जो आपकी प्राइमरी मेडुलर रेज है उसमें डिडिफरेंशिएशन होता है, तो इंटरवैस्कुलर, लेकिन वहां इंट्रा पहले से मौजूद है, तो इंट्रा प्लस इंटर मिलकर वहां बनाते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, तो पार्शियली प्राइमरी और पार्शियली सेकेंडरी, पीएमटी और एसएमटी, तो आपका बन गया वीसी वहां पर। लेकिन इसका मतलब वहां ये इंटरवैस्कुलर कैम्बियम किसने फॉर्म किया, तो बाय द डिडिफरेंशिएशन प्राइमरी मेडुलरी रेज, तो प्राइमरी मेडुलरी रेज में डी डिफरेंशिएशन हुआ, बिल्कुल, क्लियर? डी डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या बन गया, इंटरवैस्कुलर कैम्बियम। लेकिन जो रूट का वैस्कुलर कैम्बियम होता है स्टिल पार्ट में, वो कंप्लीटली ओरिजिन में क्या है, सेकेंडरी, एनसीआरटी लिख रखा है, कंप्लीटली सेकेंडरी, तो कंप्लीटली सेकेंडरी है, तो उस रूट में जो वैस्कुलर कैम्बियम होता है, तो देखो अपन रूट की डायकोट रूट की स्ट्रक्चर अपन देखें, तो जैसे ये पेरिसाइकल है, अपन स्टिलर पार्ट देख रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है। अब ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, ऐसे फिर वहां पर क्या होता है, फ्लोएम, फिर प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, आप समझ रहे हैं ना, तो ये मैं कंप्लीट फॉर्मेशन यहां नहीं कर रहा, अलग पेन से आपको कर देता हूं। तो ध्यान दीजिएगा कि देखो यहां पर ये मान लो कि उसका पेरिसाइकिल है, ये पेरिसाइकिल है, ठीक है, फिर आप देखते हैं कि भाई ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, बिल्कुल, ये प्रोटोजाइलम है, ये मेटाजाइलम है, ये प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, प्रोटोजाइलम है, मेटाजाइलम है, रेडियल भी होते हैं, बिल्कुल, और ये आप समझ सकते हैं कि देखो ये आपका फ्लोएम है, वहां पर दो जाइलम के बीच फ्लोएम होगा, ये फ्लोएम है, बिल्कुल, ठीक है, ये फ्लोएम हो गया,
ठीक है, और यहाँ पर आपका होता है कंजक्टिव टिश्यू, यहाँ पर क्या होता है कंजक्टिव, जो कंजक्टिव टिश्यू होता है यहाँ पर, कंजक्टिव टिश्यू वहां पर आपका, यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू आपका होता है फ्लोएम के आसपास, क्लियर। अब आप ध्यान दीजिएगा कि वहां पर एक तो पेरिसाइकल रोल करती है, तो प्रोटोजाइलम के तो जस्ट अबोव, प्रोटोजाइलम के तो जस्ट अबोव आप जानते हैं कि ये आपका बनता है कैम्बियम स्ट्रिप, कैम्बियम स्ट्रिप, और यहां जो से अपन बात करेंगे कि प्रोटोजाइलम के तो जस्ट अबोव और फ्लोएम के नीचे से, फ्लोएम के नीचे यहां पर, तो ये आपकी बनेगी कैम्बियम स्ट्रिप्स बाय द प्रोसेस ऑफ डीडिफरेंशिएशन। तो यहां ऊपर और वहां आपका क्या नीचे, फिर ये आपस में ऐसे कनेक्ट होंगी, मिल जाती है, तो वेवी फॉर्म में बनती है ना, वेवी फॉर्म में लहरदार यहाँ पे होती है कैम्बियम, लहरदार आपकी जो कैम्बियम रिंग होती है, बिल्कुल आपका ऐसे आएगा ना, क्लियर। तो आप समझ पा रहे हैं बेटा कि यहाँ तो देखो ये और इसके नीचे आपका, बिल्कुल ठीक है, फिर आपकी वेवी फॉर्म में बनती कंप्लीटली सेकेंडरी, तो ये तो पेरिसाइकल, यहाँ अबव तो पेरिसाइकल फॉर्म करती है पेरिसाइकल, और यहाँ कंजक्टिव टिश्यू, कंजक्टिव टिश्यू, और अपने वहां बात की थी कि जो कंजक्टिव टिश्यू है ना वो ओनली डायकोट रूट की प्राइमरी स्ट्रक्चर में है, बिल्कुल मोनोकोट में कंजक्टिव टिश्यू है ही नहीं, क्लियर। और पेरिसाइकल मोनोकोट में इसलिए नहीं बना सकती रूट के अंदर की वहां कुछ स्क्रम का पैचेज होते हैं, तो सीधी सी बात है कि कंजक्टिव टिश्यू और ये जो पेरिसाइकल है, तो यहाँ पर देखो आपका आंसर होगा कि पेरिसाइकल और कंजक्टिव टिश्यू, तो बोथ ऑफ अबव आंसर विल बी थर्ड, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, कोर कैम्बियम एंड वैस्कुलर कैम्बियम इन रूट आर एग्जांपल ऑफ, या रूट की बात करें, एपिकल मेरिस्टेम, सेकेंडरी मेरिस्टेम, वाउंड एंड कैम्बियम, तो बेसिकली दोनों यहाँ पर क्या है कंप्लीटली सेकेंडरी होते हैं। हाँ हाँ, तो भाई कोर कैम्बियम वैस्कुलर कैम्बियम इन रूट, कोर कैम्बियम तो दोनों में सेकेंडरी है, तो आप जानते हैं कि अभी अपने बताया ना कि वीसीबी ओनली डायकोट स्टेम में पार्शियल प्राइमरी है, बाकी रूट में तो वीसीबी कंप्लीटली क्या सेकेंडरी, और सीसी तो ऑलवेज ही क्या होता है सेकेंडरी, जो कोर कैम्बियम होता है तो ऑलवेज ही क्या होता है सेकेंडरी होता है, तो आपका क्या हो गया सेकेंडरी, बिल्कुल मेरिस्टेम, क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21, कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इंक्लूड ऑल द करेक्ट वंस ओनली, ऑल डायकोट प्लांट शो सेकेंडरी ग्रोथ, नहीं सारे का सारा जो डायकोट प्लांट है वो एक्सेप्शन यहाँ पे है, शो नहीं करते सेकेंडरी ग्रोथ, वैस्कुलर कैम्बियम इन डायकोट रूट इज कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, बिल्कुल सही बात है, कोर कैम्बियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन एक्स्ट्रा ईस्टर्न रीजन ऑफ द प्लांट, ऑल लेटरल मेरिस्टेम आर प्राइमरी मेरिस्टेम, नो रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल लेटरल मेरिस्टेम तो अपन ऐसे कहेंगे मेनली सेकेंडरी होती है, ओनली इंट्रा को छोड़ के, बिल्कुल बाकी सारी सेकेंडरी होती है, इंट्रा को छोड़ के सारी सेकेंडरी है, बिल्कुल क्लियर। तो आप समझ रहे हैं कि ये रॉन्ग हो गया, और कोर कैम्बियम ये आपका करेक्ट हो गया, वैस्कुलर कैम्बियम बी एंड सी ये भी करेक्ट हो गया, और ऑल डायकोट प्लांट्स शो सेकेंडरी ग्रोथ, डायकोट शो करते हैं, लेकिन जो हर्ब हो मान लो कि जो एक वर्षीय हो पौधा एनुअल प्लांट हो तो वो अपन बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करेंगे, जैसे पी प्लांट है वो भी तो डाइकोट है, बिल्कुल तो वो शाखीय पौधे हैं तो वो नहीं करेंगे, बाकी आप जानते हैं जो ट्री हैवी ट्री बनेंगे वो आपका करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो गया करेक्ट, बिल्कुल। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22, मैच द आइटम ऑफ कॉलम फर्स्ट टू कॉलम सेकंड, यहाँ पर फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, स्टार्च शीट है, तो कोर यहाँ पर जो अपने पास में होता है फेलम, सेकेंडरी मेरिस्टेम की बात करें तो सेकेंडरी मेरिस्टेम यहाँ पे कौन सा हो गया फेलोजन जो है वो कोर कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टेम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स यहाँ पे क्या हो गया फेलोडर्म हो गया, एंडोडर्मिस ऑफ स्टेम, इसमें स्टार्च का डिपोजिशन है, इसको बोलते हैं स्टार्च शीट, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपना आंसर हो गया फर्स्ट में ए, सेकंड में बी, थर्ड में सी, फोर्थ में डी, फोर्थ आंसर, फोर्थ आंसर हो गया। और अपने यहाँ पर जो थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, बिल्कुल, कि अब अपन बात करेंगे एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ, एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे अपन, क्लियर। तो एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल हो रहा है, कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम यानी जो का खेदा वो रेस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल क्लियर। अब आप समझ रहे हैं कि भाई जैसे ही स्टीलर ग्रोथ हो जाती है 2-3 ईयर की, बिल्कुल स्टीलर ग्रोथ आपकी हो जाती है 2-3 ईयर की, जैसे ये वैस्कुलर कैम्बियम इनर साइड सेकेंडरी जाइलम और वो जो प्राइमरी जाइलम रिमेन है ही, और आप समझ सकते हैं यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम ये फॉर्मेशन हो जाता है और ये कंटिन्यूसली अंदर वाला फॉर्मेशन चलता रहता है, तो अंदर का स्पेस फुलफिल होते ही आउटर आप जानते हैं तो दबाव लगता है, दबाव लगता है, दबाव लगता है, जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है अच्छी लाइन लिखी गई इंसेक्ट में, जैसे एपिडर्मिस ब्रेक हो जाती है, तो एपिडर्मिस ब्रेक होते ही जस्ट एपिडर्मिस से नीचे जो आपकी हाइपोडर्मिस है उसमें आपका क्या होगा डीडिफरेंशिएशन होगा, बिल्कुल। तो वो हाइपोडर्मिस आपकी क्या फॉर्म करेगी फिर, वो आपकी बनेगी कोर कैम्बियम फेलोजन, फेलोजन जो कि सेकेंडरी मेरिस्टेम की टिश्यू है, फेलोड्रम, फेलोड्रम, बिल्कुल
और ऊपर की तरफ बन जाएगा कोर्क यानी फैलम। बिल्कुल, तो फिर ये अपने आप में क्या है? फैलोजन। बिल्कुल, ये फैलोजन है, ये मेरिस्टेमेटिक है, दोनों परमानेंट है। ये कोर्क एम्बियम में फैलोजन, फिर ये फैलोड्रम और फैलम, ये भी आगे और भी बता देंगे आपको। तो आप कंसेप्ट सीख रहे हो, आप सेकेंडरी ग्रोथ को कैसे क्लियर करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर आनी चाहिए। बिल्कुल, आ गई। उसके बाद आप स्टार्ट करें डाइकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ, तो पहले आपको स्टिनर पार्ट, तो डाइकोट स्टेम स्टिनर पार्ट में आपको वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बना, और फिर आपका एक्स्ट्रा स्टिनर यानी वो तो बाद की बात है, फिर डाइकोट रूट में वेस्कुलर कैम्बियम कैसे बना स्टिनर पार्ट में, और एक्स्ट्रा स्टिनर में कोर कैम्बियम कैसे बना, और कोर कैम्बियम बन गया तो क्या क्या उसने डेवलप किया। बिल्कुल, तो आपका क्वेश्चन आगे से आगे क्लियर हो जाएगा। तो आप नेक्स्ट इसमें आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, फेलोजन फॉर्म्स कोर्क इन। अभी हमने बात की थी फेलोजन जो है क्या बनाती है, तो ये बनाती है कोर्क तो बनाती है बाहर की तरफ, और फेलोडर बनाती है इनसाइड। हमने पूरी बात कर चुके हैं, सीधी सी बात है, अंदर स्टीलर ग्रोथ हो जाएगी 2-3 साल की। तो स्टीलर ग्रोथ मान लो हो गई, स्टील मान लिया अपन ने, है ना, स्टीलर ग्रोथ हो गई, क्लियर। अब आप समझ सकते हैं कि एक्स जैसे कंटिन्यूशन सेकेंडरी जालम बनता है तो आउटर प्रेशर इंक्रीज होता है। बिल्कुल, अब ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है मान लो आउटर मोस्ट, ये एपिडर्मिस ब्रेक होगी, एपिडर्मिस ब्रेक होती प्रोटेक्शन तो चाहिए, तो प्लांट को प्रोटेक्शन चाहिए, तो जो हाइपोडर्मिस है उसमें डी डिफरेंशिएशन हो गया, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाता है, जैसे डी डिफरेंशिएशन होता है हाइपोडर्मिस में या जो जनरल कॉर्टेक्स है, तो यहाँ पर आपका बन जाता है, ये आपका बन जाता है कोर कैम्बियम या फेलोजन, है ना। अपने आप में वो स्टीलर आपका हो चुका है, जो भी स्टीलर है ये आपका बन जाता है क्या, कोर्क कैम्बियम। तो इसको अपन कहते हैं कोर कैम्बियम बाय द प्रोसेस ऑफ डी डिफरेंशिएशन। और अपने बताया था कि सेकेंडरी ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप चाहे कोई सी भी हो डी डिफरेंशिएशन होता है, तो डी डिफरेंशिएशन आपका बन गया कोर कैम्बियम, उसको आप क्या बोलोगे, फैलोजन। क्या बताओगे? फैलोजन। बिल्कुल ठीक है। अब आगे अपन फॉर्मेशन की बात करेंगे, तो ये फैलोजन यहां अंदर की ओर तो बनाएगी सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फैलोड्रम। बिल्कुल, फैलोडर्म, फैलोड्रम, क्लियर। और ये आउटसाइड आप समझ सकते हैं कि आउटसाइड आपका बनता है यहां पे कोर्क, उसको बोलते हैं फैलम, फैलम, फैलम। तो आप समझ रहे हैं कि देखो ये त्री जो तीन लेयर आपकी होगी, फैलोजन और यहां आपकी फैलोड्रम, यहां की फैलम। बिल्कुल, तो ये फैलोजन ने क्या डेवलप किया, इनसाइड तो आपका फैलोड्रम, आउटसाइड आपका क्या, फैलम। और फिर अपन आगे बात करेंगे, तो को बात के बोलते हैं पेरिडर्म, पेरिडर्म। सीधी सी बात है कि पेरिडर्म, यहां अपन बात करेंगे कि पेरिडर्म, तो पेरिडर्म में अपन क्या कहेंगे कि अंदर से अगर अपनाएं तो फैलोड्रम। बिल्कुल, फैलोड्रम प्लस फैलोजन जो प्रोड्यूस करती है दोनों साइड, प्लस फैलम, फैलम, प्लस फैलम जो आपका कोर्क है, यस। तो ये पेरिडर्म, और फिर सेकेंडरी फ्लोएम मिल जाए तो बार्क, सेकेंडरी फ्लोएम मिल जाए तो क्या हो जाएगा, बार्क हो जाएगा। तो इनको बहुत अच्छे से आप करें, तो ये डेवलपमेंट आपको और अच्छे से क्लियर करना है। तो नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज मेन एम ऑफ कोर्क फॉर्मेशन, कोर्क निर्माण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स गेट ब्रोकन, सो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन, रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, नॉन कंडक्शन शील्ड या रिड्यूस फोटोसिंथेसिस। तो मेन इसका फंक्शन यहां पे क्या है, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन है भाई, प्रोटेक्शन के लिए तो ये एक्स्ट्रा ग्रोथ, एपिडर्मिस तो ब्रेक हो गई, हाँ, तो जो इंसेक्ट है या फिर जो भी माइक्रोब्स हैं वो अटैक नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो प्रोटेक्शन के लिए तो आपका क्या बनता है, जो सेकेंडरी एक्स्ट्रा स्टीलर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, तो फिर आपका फैलम बनता है, और फिर वो कॉर्क सुपरिमाइज्ड होकर आप जानते हैं कि बिल्कुल डेड हो जाता है, और डेड के अंदर इन्फेक्शन नहीं हो पाता, तो प्रोटेक्शन मिलता है, सीधी सी बात है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पेरिडर्म कंटेन्स ओनली लिविंग बार्क, ओनली डेड बार्क, कोर कैम्बियम, बोर 23। तो बेसिकली पेरिडर्म के अंदर तीन लेयर हुआ करती है, एक तो यहाँ पे होती है कोर्क, एक यहाँ पे होता है कोर्क कैम्बियम, एक यहाँ पे होता है अपने पास में सेकेंडरी कॉर्टेक्स, तीनों यहाँ परतें होती है। अब यहाँ पे लिखा है ओनली लिविंग बार्क, ठीक है, तो ओनली लिविंग बार्क अगर आप कंडीशन देखें तो पॉसिबल नहीं है, उसमें नहीं, ओनली लिविंग भी नहीं हो सकता, ओनली डेड भी नहीं हो सकता, बोथ हो सकता है। बिल्कुल, दोनों पॉसिबल है। इसी बात है, अपन ने ये मान लो एक्स्ट्रा स्टीलर में ये आपने बना दिया फैलोजन, तो फैलोजन ही तो सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, तो फैलोजन तो सेकेंडरी मेरिस्टेम है। बिल्कुल, तो कंप्लीटली लिविंग है। बिल्कुल, फिर आप जानते हो लेकिन इनसाइड तो बनाता है फैलोड्रम, फैलोड्रम सेकेंडरी कॉर्टेक्स, अच्छा ये भी लिविंग है, ये भी लिविंग है, लेकिन आउटसाइड आपका ये क्या बनाता है, फैलम। तो जो फैलम बनाता है ना कॉर्क, तो वो आपका क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। तो फिर आप कहते हो कि बार्क में तो आपका क्या आता है, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस, सेकेंडरी फ्लोएम प्लस, आप तो सेकेंडरी फ्लोएम में कुछ कंपोनेंट डेड है, प्लस आपका आता है पेरिड्रम, तो पेरिड्रम के अंदर जो फैलम है
कॉर्क वो आपका डेड है, बाकी लिविंग है, बाकी लिविंग है, क्लियर। तो अपन बात करें कि अपन ऑप्शन और अच्छा से बनता है कि भाई पार्शियल लिविंग और नॉन लिविंग दोनों से ही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो सकता है, बोथ हो सकता है। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26, फेलोजन एंड फेलम रेस्पेक्टिवली डिनोट कागजल और काग किसको प्रदर्शित करते हैं, तो फेलोडर फेलोजन यहाँ पे कौन सा हो गया, और हाँ रूट में पेरिसाइक्लिक पार्ट जाएंगे, कंप्लीटली पेरिसाइक्लिक कुछ पार्ट वहां पर जाएंगे जो डी डिफरेंशिएशन करके क्या बनाएंगे, फेलोजन कोर कैम्बियम, बट कंप्लीटली सेकेंडरी होगा। अब इनसाइड क्या बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स यानी फेलोड्रम बनाता है। आउटसाइड क्या बनाता है, फेलम जिसको बोलते हैं कॉर्क, जिसको अपन क्या बोलते हैं कॉर्क। अब यहां पर आप जानते हैं कि फेलोजन तो फेलोजन तो वही है सेकेंडरी मेरिस्टेम कोर कैम्बियम, और कॉर्क जो क्या है फेलम, बिल्कुल। तो सारे क्वेश्चन आप जानते हैं कि फटाफट आप कर सकते हैं और इनको बहुत इनिशियली कॉन्सेप्ट से आप समझें। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर अदर नेम्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सेकेंडरी कॉर्टेक्स कोर कैम्बियम एंड कॉर्क। तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स यहां पे क्या हो गया, अपन अंदर से बाहर की ओर आ रहे हैं, तो ये आपका हो गया फेलोड्रम, ये आपका हो गया फेलो, और ये आपका क्या हो गया फेलम। हां तो अंदर से अपन बाहर आ रहे हैं ना, कि फेलोड्रम का मीन जानते हो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, और फेलोजन का मानते हो जो कोर कैम्बियम है, और फेलम का मतलब जानते हो कॉर्क है, बिल्कुल बिल्कुल सही। और बाकी में आप जानते हो कि कर्म से ऐसी बातें नहीं है, बिल्कुल है ना, रिलेटिवली ऐसे वर्ड नहीं, तो एकदम अपन कर्म की ओर अपन बात कर रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, वी कैन क्लासिफाई टाइप ऑफ फूड ऑन द बेसिस, हम कास्ट को के आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं, देयर कंपोजिशन, देयर टाइम ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल। तो बहुत आपका आंसर हो जाएगा भाई, देयर कंपोजिशन जैसे कि आप जानते हैं कि हार्डवुड जो बिल्कुल डार्क कलर की होती है, टाइनोसिस से वो फॉर्म हुई है, सैप से कन्वर्ट हुई है आपकी क्या हार्डवुड, तो ये तो आपकी क्या होगी जो सेंट्रल डार्क पार्ट है, ये तो आपका हो गया हार्डवुड हो गया, और ये आपका क्या है सैपवुड है, बिल्कुल। तो ये तो आप जानते हो कि एक्टिविटी होगी, दूसरी बात है कि टाइम अर्लीवुड लेटवुड, जो स्प्रिंग वुड है या ऑटम वुड है, अर्लीवुड है वही बात है, बिल्कुल स्प्रिंग वुड और क्या ऑटम वुड है ना, जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से, तो ये आपका हो गया बोथ। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29, हीलिंग ऑफ वाउंड इन प्लांट टेक प्लेस बाय द एक्टिविटी ऑफ पादपों में घाव भरना की सक्रियता से होता है, ग्राउंड टिश्यू, सेकेंडरी कैम्बियम, परमानेंट टिश्यू या कॉम्प्लीमेंट्री टिश्यू। तो बेसिकली प्लांट में कोई भी क्षतिग्रस्त भाग जो होता है वहां पर जो परमानेंट टिश्यू होता है वो ही बदल जाता है डिडिफरेंशिएशन से वाउंड कैम्बियम। ऐसी सी बात है कि भाई घाव भरना मतलब वहां परमानेंट टिश्यू है, अब वहां रप्चर हो गए तो अब नई सेल तो वहां डिविजन कैपेसिटी नहीं है, तो पहले डिविजन कैपेसिटी आनी चाहिए, तो पहले तो आपका बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम, और सेकेंडरी मेरिस्टेम वहां बनेगा आपका जो वाउंड कैम्बियम, और सारी कैम्बियम सेकेंडरी होती हैं, बिल्कुल इंट्रा को छोड़ के, तो वाउंड कैम्बियम कंप्लीटली क्या है सेकेंडरी है, secondary. और वाउंड कैम्बियम आपका सेकेंडरी कैम्बियम या सेकेंडरी मेरिस्टेम, बिल्कुल क्लियर। नेक्स्ट आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, बार्क इज ए टेक्निकल वर्ड फॉर ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम, सेकेंडरी जाइलम, पेरिटोनियम, ओनली हार्ट या मैकेनिकल टिश्यू ऑफ यंगस्टेम। तो जो यहाँ पर वैस्कुलर कैम्बियम है उसके बाहर का जो भी पार्ट है जिसमें फ्लोएम आ गया, पेरिसाइकल आ गया, एंडोडर्मिस आ गया, कॉर्टेक्स आ गया, वो सब इसमें आता है भाई। ये सीधा इनसाइड स्टेटमेंट, ऑल टिश्यूज एक्सटीरियर टू वैस्कुलर कैम्बियम, हम मान लो स्टीलर ग्रोथ होगी तो ये वैस्कुलर कैम्बियम हो गए, ठीक है। वैस्कुलर कैम्बियम इनसाइड तो सेकेंडरी जाइलम है, ये तो इंक्लूड कभी नहीं होगा, लेकिन ये आउटसाइड क्या सेकेंडरी फ्लोएम। अब देखो अपन क्या कहते हैं जनरली बार्क क्या होती है, तो बार्क आपकी होती है सेकेंडरी फ्लोएम, बिल्कुल सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिड्रम, बिल्कुल जो पेरिड्रम है। अब पेरिड्रम में क्या क्या इंक्लूड है, पेरिड्रम में तीन लेयर आपके इंक्लूड है, फेलोड्रम, फेलोजन, फेलोड्रम, बिल्कुल फेलोजन, फेलोजन है और आपकी क्या है फेलम, सही। तो आप समझते हैं सेकेंडरी फ्लोएम प्लस पेरिड्रम ये आपकी बार्क है, बिल्कुल बात को समझ रहे हैं। अच्छा आप समझे कि देखो ये जनरली बनते जाते हैं तो बाकी क्रश होते जाते हैं, तो सेकेंडरी फ्लोएम के बाद जैसे कुछ अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है भी गई तो भी किसमें इंक्लूड होगी, बार्क में होगी, वो भी किसमें होगी बार्क में, वो तो फॉर्मेशन आपको पढ़ते हुए उसमें ध्यान रखना है, बिल्कुल। तो बेटा देखिएगा कि जनरली आप एनसीईआरटी से सारे क्वेश्चंस आपको कराए हैं और ये एनाटॉमी आपकी कंप्लीट होती है, और बेटा सेकेंडरी ग्रोथ के सारे क्वेश्चंस अपने लिए हैं, तो मैंने आपसे यही कहा है
फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, फिर आप जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ के दो टाइप आपके होते हैं, स्टिलर पार्ट और एक्स्ट्रा स्टिलर पार्ट। अब स्टिलर पार्ट में आप आए वेस्कुलर कैम्बियम पे तो फॉर्मेशन ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम इन डाइकोट स्टेम, एक्स्ट्रा स्टिलर में आप आए कोर कैम्बियम पे तो फॉर्मेशन ऑफ कोर कैम्बियम आप जानते हैं कि जो डाइकोट स्टेम का आप ले लें, और इसी प्रकार आप रूट के अंदर दोनों पार्ट का आप स्टडी करें। तो इसी के साथ अपन ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।